अरे बाप रे, कितनी सारी दवाई सारी खानी है? 250 ml है आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है दोनों है। हाँ हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। इतनी सारी दवाइयाँ देख के आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि क्या रिपोर्ट आई है मेरी। यस, आई एम कोविड पॉजिटिव। मेरी रिपोर्ट में कोविड डिटेक्ट हुआ है और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मुझे 10 दिन का आइसोलेशन, यानी 10 डेज तक मुझे होम क्वारंटाइन रहना है, अलग रूम में रहना है। और प्लस कुछ मेडिसिंस उन्होंने मुझे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी मेडिसिंस प्रिस्क्राइब की हैं जो आ गई हैं अभी घर पे। और साविक के पापा बाहर से खड़े होकर डिक्टेट कर रहे थे उनके नाम, और मैं मैच कर रही थी कि सारी दवाइयाँ आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, क्योंकि वो रूम के अंदर नहीं आ सकते हैं तो बाहर से ही बोल रहे थे। और मैं उन्हें मैच कर रही थी, जैसे कि अगर कुछ मेडिसिंस रह गई हैं तो वो जाके जल्दी से ले आएंगे, क्योंकि 8 बजे से पूना में कर्फ्यू है, पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू है, दुकानें बंद हो जाती हैं, इसलिए वो हम लोग जल्दी जल्दी सारी दवाइयाँ मैच कर रहे थे। एक्चुअली ये सारी दवाइयाँ स्वाविक के ताऊजी यानी मेरे जेठ लेके आए हैं, तो अभी इसीलिए हम लोग एक बार मैच कर रहे थे जिससे कि सब दवाइयाँ अवेलेबल हों। तो यही चल रहा है जब से रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा टेंस माहौल है, बस दवाइयाँ और क्या क्या करना है वही सब डिसाइड कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक्चुअली ये कैसे स्टार्टिंग हुई और क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया जो मुझे पता चला कि कोविड पॉजिटिव हूँ मैं, तो वो सारी बातें आज मैं आपसे इस व्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ। आइवरबोन पे आइवरबोन ये आइवरमेक्टिन आइवरबोन है ना, वो तीन टैबलेट्स है ना? ठीक 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 हां ठीक है, सारी एमसी भी मिल गई ना? हां ठीक है, तो ये सारी टैबलेट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खाने शुरू कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ नहीं लाना, दवाई कुछ नहीं लाना। प्रिंटआउट लेके आऊंगा है? इसका प्रिंटआउट लेके मैं मेरे फोन में है, मैं लिख लूंगी ज्यादा से ज्यादा कुछ, बाकी जो व्हाट्सएप किया है वो ले आना और सावी का ड्रॉपर जरूर ले आना। और एक थोड़ी सी ना डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आना, मैंने लिख दिया है वैसे उसमें। बेटा बड़ा हो जाएगा कितनी सी देर में, तो तू बड़ा हो जाएगा जितनी देर मम्मी क्वारंटाइन में रहेगी। स्वाभाविक अपने सारे काम खुद करने सीख लेगा, स्वाभाविक का मुंह पाव पाव कर दो। डिस्पोजेबल प्लेट वो खाली वाली लाऊं कि वैसे लाऊं? खाली वाली ले आना चाहे, क्योंकि फिर मेरे को दे दिया करोगे ना उसमें लगा के, मैं फिर डंप कर दिया करूंगी। चम्मचे तो है, बस प्लेट्स ले आना। बाय बाय, अपने लिए चीज ही ले आना। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाविक मॉम स्टूडियो। और स्टार्टिंग क्लिप से आपको पता ही चल गया होगा कि क्या हुआ है। एक्चुअली आई एम कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। मेरे को आज ही ये पता चला है कि दैट आई एम कोविड पॉजिटिव। जो होली वाली सुबह फीवर हुआ था, रात में थोड़ा सा बॉडी एक था, तो आई थॉट कि शायद थकान की वजह से हो रहा है, लेकिन जब मैं सुबह उठ ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा बॉडी पेन था, हाथ पैर ऐसे हो रहे थे कि बस कोई दबाता रहे उन्हें, और बहुत ज़्यादा दर्द था, फीवर भी अच्छा खासा था। तो हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं, मैंने चाय वाय फिर भी सब सुबह की बनाई और नॉर्मल भी एक करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना जब तबीयत अंदर से ही ख़राब हो तो आप कितना भी नॉर्मल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर लो आप बिल्कुल भी शो नहीं कर पाओगे, और घर वाले तो एकदम पहचान जाते हैं कि कुछ तो हुआ है। तो वही मेरे हस्बैंड को लगा, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, मतलब तेरा चेहरा उतरा सा है, और तेरा मतलब जिस एक्टिवनेस से मैं घर में काम करती हूँ, जिस एनर्जी से मैं घर में काम करती हूँ, उस तरीके से मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मेरे को थोड़ा सा फीवरिश सा फील हो रहा है, बॉडी पेन है, और आई थिंक थोड़ा सा थकान है, उसकी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि 2-3 दिन से कि जब ये फेस्टिवल्स होते हैं ना तो रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती, थोड़ा काम भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मैंने उनसे बोला ठीक है मैं मेडिसिन ले लूँगी, दैट डोलो एंड ऑल जो हम नॉर्मल फीवर वगैरह में खाते हैं वो मैं खा लूँगी, और फिर मैं बेटर फील करने लगूँगी। लेकिन हस्बैंड नहीं माने और वो बोले कि नहीं पहले डॉक्टर के पास चलो, तुम डॉक्टर को दिखाओ, ये होली होली के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या है, जो भी मेडिसिन देंगे उसके बाद
अपना सेलिब्रेशन करेंगे अगर तुम बेटर फील करोगी तो। हम सुबह अराउंड 10 या 11 बजे करीब डॉक्टर के पास गए। हम श्योर नहीं थे कि डॉक्टर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिनसे हमारा जनरल ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो अवेलेबल थे अपने क्लिनिक पे। मैं जैसे ही अंदर दिखाने उनको गई और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है, तो मैंने बोला मेरे को फीवर है सुबह से, तो उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सुना, उन्होंने तुरंत लिखा कि कोविड टेस्ट कराओ। हालांकि मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि कोविड के नाम से ही ना एकदम से डर लगता है, तो मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं डॉक्टर, मुझे कोई स्मेल का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई टेस्ट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई वॉमिट या लूज मोशंस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फीवर है और आई थिंक वो थकान की वजह से है। तो लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उन्होंने तुरंत अपना प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करके दे दिया कि कोविड टेस्ट कराओ और उसके बाद ही आगे बात करेंगे, और उन्हें व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट भेज दिया। तो और उन्होंने 5 डेज का मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। मैं घर आई, मेरे हस्बैंड बोले टेस्ट करा लो, लेकिन वही था ना, थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सा टेंशन था कि यार कोविड के टेस्ट से ही मुझे इतना डर लग रहा था, तो मैंने उस दिन टेस्ट नहीं कराया। मैंने उनसे बोला आज मैं मेडिसिन खा के देखती हूँ, अगर मुझे सही नहीं हुआ तो फिर मैं कोविड टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एक मिनट, ये मास्क हटा देती हूँ, ये ना यहाँ पे लगता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो होली वाले दिन मैंने मेडिसिन वगैरह खाई, प्रॉपर रेस्ट वगैरह किया, वहीं मैंने कहीं कोई होली वगैरह नहीं खेली। इनफैक्ट मेरी वजह से स्वाभाविक का भी मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया, क्योंकि यार त्यौहार तो बच्चों के ही होते हैं ना, लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल भी उसको सपोर्ट कर ही नहीं पा रही थी, मेरा शरीर मुझे नहीं सपोर्ट कर रहा था, तो मैं उसको कहाँ से सपोर्ट करती। तो उस दिन हमने कोई होली वगैरह नहीं खेली, ना हस्बैंड ने, ना मैंने, ना स्वाभाविक ने, हम लोग तीनों घर में रहे, कहीं गए भी नहीं। इनफैक्ट मम्मी के यहाँ भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शादी के बाद कि हम लोग नहीं गए मम्मी के यहाँ भी, मम्मी के पैर तक नहीं छुए त्यौहार वाले दिन। तो हम लोग घर में ही रहे, कहीं नहीं गए, और दवाई वगैरह मैंने खाई, और फिर मैं अलग, लेकिन हाँ मैंने उस दिन से अलग थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट रखना शुरू कर दिया था, अलग छोटे वाला जो मेरा ये वाला रूम है मैं इसमें शिफ्ट हो गई थी। तो यहीं मैं सोई, और हस्बैंड और स्वाभाविक दूसरे जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पे सोई, मैं इस छोटे वाले रूम में सोई थी, और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात इतना पेन था बॉडी में कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो हम लोगों ने कुछ मसाजर्स ले रखे हैं घर पे, जो लेग मसाजर है, बैक मसाजर है, तो वो दोनों मसाजर मैंने रात भर यूज़ किया, रात भर उनसे मसाज किया है, और मुझे नींद आके ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मैं लेटने की कोशिश करती थी ना वैसे ही मेरी बॉडी पेन होने लगती थी, बहुत ही ज़्यादा दर्द था, एक्सट्रीम पेन था, मतलब आप लगा लो कि समझ ही नहीं आ रहा था कि जैसे किसी ने बॉडी ना एकदम ऐसे जकड़ दी हो, ऐसा वाला दर्द हो रहा था मेरे बॉडी में, और फीवर भी 100-101 कभी चढ़ रहा था कभी उतर रहा था, ऐसा हो रहा था। तो पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल गई। चार साढ़े चार बजे करीब मुझे थोड़ी नींद आई थी। नेक्स्ट डे जो था ना, मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, होली के नेक्स्ट डे से मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी केसेस मिल रहे हैं तो उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वो 7:30 बजे करीब उठ गए थे और उन्होंने आए रूम में, क्योंकि उस टाइम तक मैंने कोविड टेस्ट तो कराया नहीं था, तो वो नॉर्मली मेरे रूम में आए, उन्होंने आके मेरे को देखा, तो मुझे फीवर उतने का उतना ही था, प्लस मेरी बॉडी भी इतनी ज़्यादा जवाब दे गई थी कि मैं चाय तक बनाने नहीं उठ पा रही थी। तो वो बोले कि यार अब कोई चांस नहीं लेते, तुम्हें कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। तो उन्होंने फटाफट से एक बंदे को फ़ोन किया जो घर से आके सैंपल कलेक्ट करके ले जाता है। तो उनसे उन्होंने बात की, तो वो भैया बोले कि मैं 3 बजे तक आ पाऊँगा। तो तब तक मैंने मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी वही ली। खाना पीना हाँ मेरी भाभी के यहाँ से आ रहा था, यानी कि मेरी जिठानी के यहाँ से आ रहा था, वो लंच डिनर वगैरह सब वही बना के भेज रही थी। तो मैंने घर का कोई काम नहीं किया, बस आराम किया और दवाई वगैरह खाती रही। मुझे वो भैया आए सैंपल कलेक्ट करने के लिए और उन्होंने आके सैंपल कलेक्ट किया एंड वो बोले कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाती है। तो ठीक है, वो सैंपल ले गए, फिर मैंने वही मेडिसिन वगैरह खाई, अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ही रखा है, अलग रूम में मैं थी, मैं अपना सारा जितना भी मेरा ये यूट्यूब का जो भी सामान है थोड़ा बहुत, प्लस मेरे थोड़े बहुत हेडफोन्स वगैरह, पानी की कैटल वगैरह, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना रूम कैसे अरेंज कर रखा है, क्योंकि इस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल एकदम घिचपिच हो गया है, सारी चीज़ें मैंने यहीं पर रख रखी हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो सब मैं अपना सामान इधर ले आई थी, मेरी वार्डरोब इधर ही है, मेरे कपड़े वगैरह सब इसी में रखे रहते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाथरूम हमारे यहाँ एक ही है, तो हम क्या कर रहे थे कि मैं पहले शावर ले लेती थी और फिर उसको अच्छे से वॉश कर देती थी, और फिर हस्बैंड और स्वाभाविक जब वो जाते थे शावर लेने के लिए तो अच्छे से उसको स्प्रे एक बार कर लेते थे, एक बार मेरे हस्बैंड ग्लव्स पहन के उसे वॉश करके स्प्रे कर लेते थे डिसइंफेक्टेंट वाला,
और फिर वो उसे यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे ही करके हम कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे यानी कि आज, कल मेरा टेस्ट हुआ था और आज जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ यानी कि वेडनेसडे, आज मेरी रिपोर्ट आनी थी, तो सुबह से हम रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। चलो 24 घंटे तो भैया बोल के गए थे कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट आती है, तो 3-4 बजे तक हम नॉर्मली रुके हुए थे कि यार रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगी सिचुएशन और मेरी तबीयत भी स्टेबल होने लगी थी। मेरे को बुखार ऐसा नहीं है, वीकनेस है अभी भी, थोड़ा सा बॉडी पेन भी है, लेकिन जो 2 दिन मेरे को रहा ना वैसा वाला नहीं है, 2 दिन वाला बहुत वर्स्ट था। तो मैं अपना गर्म पानी पी रही थी, चाय वाय वो लौंग इलायची अदरक उदरक डाल के पी रही थी, सब चल रहा था, दवाई वगैरह ले रही थी। 3-4 बज गए, रिपोर्ट नहीं आई, फिर उनसे हमने फॉलो अप करना शुरू किया कि भाई रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, रिपोर्ट कब भेजोगे, इस बात पे थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई और रिपोर्ट मेरी आई है थोड़ी देर पहले मेरी रिपोर्ट आई है अराउंड सेवन थर्टी और एट ओ क्लॉक मेरी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में आया है दैट आई एम कोविड पॉजिटिव। यस आई एम कोविड पॉजिटिव। तो दिमाग की दही हो गई जब देखा कि यार ये क्या कोविड पॉजिटिव, इतना घूमे फिरे तब तो कुछ हुआ नहीं और अब इतने दिनों से घर में थे तो कोविड पॉजिटिव हो गए। खैर जो होना था सो हो गया। तो उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिनसे मैंने कंसल्ट किया था उनको अपनी रिपोर्ट भेजी, उन्होंने फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बात की, उन्होंने बोला कि कोई सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स ऐसे सच मुझे नहीं है कुछ भी टचवर, तो वो बोले कि कोई हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप होम क्वारंटाइन रहो 10 दिन के लिए, अलग कमरे में रहो, सारा सामान अपना जो भी आप ज़्यादा यूज़ करते हो वो अपना अलग कर लो और अपना आराम से अलग रहो। हस्बैंड का टेस्ट उन्होंने कराने को बोला है तो हस्बैंड अभी अपना टेस्ट कराएंगे। स्वाभिक का टेस्ट उन्होंने कराने को नहीं बोला है, बस यही पूछा था कि स्वाभिक को कोई सिम्टम्स तो नहीं है, तो स्वाभिक को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन जनरल मेडिसिन उसके लिए बताई है, वो उसको टाइमली सुबह शाम देते रहना है। वैसे तो उनका कहना है कि बच्चे इम्यून रहते हैं, ऐसा बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है कोरोना का, लेकिन फिर भी अगर हम सुबह शाम उसको एज अ प्रिकॉशन ये मेडिसिन देते रहेंगे तो जो 1 to 10% चांसेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और प्लस उन्होंने मेरा भी प्रिस्क्रिप्शन पूरा भेजा है, बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने भेजी हैं, जो मेडिसिन अभी मेरे जेठ यानी मेरे हस्बैंड के बड़े भाई लेने के लिए गए हैं वो ला के देंगे। उसके बाद कुछ और सामान भी आना है जो स्वाभिक के पापा लेने जाएंगे, तो उसका तो हॉल मैं नहीं बना सकती आप लोगों के लिए कि क्या क्या सामान मंगवाया है, क्योंकि जो भी सामान मंगवाया है वो प्रिकॉशंस के बिहाफ पर मंगवाया है, जैसे कि ग्लव्स, मास्क, कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, क्योंकि अब मैं बार बार किचन में नहीं जा सकती, किचन वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगी, हस्बैंड ही जैसे तैसे कर लेंगे जो भी थोड़ा बहुत, खाने वगैरह का देखेंगे अभी हम कैसे अरेंज करेंगे, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, बात करेंगे तो डिसाइड करेंगे। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह मंगवा लिया कि चाय खाना कहीं से भी आए तो मुझे डिस्पोजेबल प्लेट में लगा के दे दिया करेंगे, तो मैं खा लिया करूँगी और उसे बाहर डंप कर दिया करूँगी डस्टबिन में, और फिर तो ऐसे ही मैनेज करेंगे। अब जब उखली में सर दिया तो मूसली से क्या डरना वाली हालत हो गई है हमारी, कि अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं, अब एडजस्ट करना पड़ेगा ये 10-15 दिन जब तक रिपोर्ट निगेटिव नहीं हो जाती। तो ये रीज़न था कि आपको छोटी होली के बाद से कुछ उलट पुलट व्लॉग्स मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। सो इट्स माय फर्स्ट डे ऑफ कोविड, आगे जितने दिन भी चलेगी ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स डिनर तो मैंने कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द मेडिसिंस, और इतनी सारी मेडिसिंस है जो मुझे खानी है, तो खाती हूँ एक एक करके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत क्या है, एक मिनट। यहाँ पे मैंने पूरा अपना वर्क स्टेशन बना लिया अपने बेड पे, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी, मेरा आईपैड है, मेरी डायरीज वगैरह हैं, स्पेक्स हैं, मेरे पेन वगैरह, मेरा मोबाइल का स्टैंड, ऑक्सीजन मीटर, थर्मोमीटर, प्लस ये मेरे ग्लव्स और मास्क जो मुझे एकदम से उठती हूँ तो यूज़ करती हूँ, वो सब भी यहीं पर रखे हैं।
सब यहीं पे रख लिया है। ये मेरा लैपटॉप रखा है, सामने अगर आप देख रहे हो तो मेरी कैटल रखी है पानी गर्म करने के लिए, सैनिटाइज़र रखा है, मेरा कॉम्ब ब्रश वगैरह सब वहीं अरेंज कर दिया है, चार्जर सारे लगा दिए हैं, ये मल्टीपल पोर्ट लगा के हमने, और जो भी मेरा डेली बेसिस का क्रीम मॉइस्चराइज़र होता है वो भी सब मैंने यहीं पर रख लिया है। तो पूरा कमरा मेरा ऐसे भर गया है क्योंकि इस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन मुझे इसी कमरे में 10 दिन रहना है, तो जो भी यूज़ का सामान है ना वो सब मैंने यहाँ पे ला के रख लिया है। तो ऐसे काटने हैं मैंने अपने 10 दिन, आपके साथ ये जर्नी शेयर करती रहूँगी, एंड आई विश कि 10 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव ना रहे, ज़्यादा आगे ये दिन ना बढ़े और फटाफट से मेरी तबीयत सही हो जाए। तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आज पूरा दिन रिपोर्ट के वेट करने में ही निकल गया, कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं, ना कुछ ज़्यादा किया ना ही कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ जो आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की ब्लॉग को यानी डे वन जर्नी ऑफ माय कोविड एक्सपीरियंस यहीं एंड करते हैं, और मिलूंगी आपसे कल एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और प्लीज़ सेफ रहिएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता था मैं सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रही हूँ, लेकिन देखिए मैं भी कहीं ना कहीं जाके इन्फेक्टेड हो गई। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जितना हो सके घर में ही रहिए, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी से चलिए जिससे कि आप लोग इन्फेक्टेड ना हो, मैं तो यही कह सकती हूँ। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।